रेवाड़ी में एक भाई बहन लंबे समय से प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और कपड़ों की सिलाई कर रहे हैं। आज जिला उपायुक्त जसिंदर सिंह दोनों बच्चों से मिलने उनके घर पहुंचे और दोनों बच्चों की तारीफ करते हुए लोगों से अपील की कि सभी इसी तरह से प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में सहयोग करें। बता दें कि विकास नगर की रहने वाली नंदिनी 12वीं कक्षा में पढ़ती है और उसका छोटा भाई हर्ष 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उन्होंने अपनी नानी से प्रेरणा लेकर पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करके कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना शुरू किया था और फिर उन्होंने घर पर ही कपड़ों के थैले बनाए और रिश्तेदारों और दोस्तों को मुफ्त दिए और आज जिला उपायुक्त को गांधी जयंती के अवसर पर 1050 थैले भेंट किए गए। इसके अलावा जिला उपायुक्त ने मतदान जागरूकता और प्लास्टिक बैन को लेकर एक बैग की लॉन्चिंग की जिसमें कहा गया कि लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के पर्व में हिस्सेदारी निभाएं। मैं इस पर यही कहूँगा कि आज गांधी जयंती के और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती है इस पे हर्ष ने और नंदिनी दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी समय से लगे हुए हैं, हमें आज पता चला है कि इन्होंने अच्छा काम किया है। काम तो पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे थे। तो जो देश की सोच है कि प्लास्टिक से हमें मुक्त करना है देश को, हमारे राज्य को, रेवाड़ी को, तो उसमें अगर इस प्रकार से सभी बच्चे साथ देंगे तो ये वो दिन दूर नहीं हम प्लास्टिक से हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो पिंक बूथ पे भी ये संदेश देना चाहते थे ला देवी? हाँ, वो भी हम टाई अप कराएंगे। हमारे स्वीप के इंचार्ज ADC साहब हैं, यहीं पे हैं, तो उनसे अभी मैं टाई अप कराता हूँ इनका। तो इस प्रकार के जो बूथ होंगे, ऑल वुमेन बूथ होंगे या दूसरे भी बूथ होंगे, सब जगह हम चाहेंगे ये बच्चे ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे रेवाड़ी के और इस अपनी बात को आगे पहुंचाएं। DC साहब हमारे घर आए, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सपना सच हो गया हो और आज मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमारे इस छोटे से कदम को उन्होंने प्रमोट किया और उन्होंने हमें हमारा हौसला उजागर किया, हमें मोटिवेट किया। बस मैं इतना ही। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, उसकी कंप्लायंस मेरा अनुरोध है कि सभी सिटीजन्स, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी कैंडिडेट्स वो उसकी ज़रूर करें और MCC की भी पूरी तरह से कंप्लायंस करें ताकि किसी प्रकार की कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो किसी कैंडिडेट की या किसी को नोटिस ना देना पड़े। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी इस सब को देखेंगे और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर भी सब चेक कर रहे हैं। आज जो हमारे एकत्रित होने का मेन जो मकसद हमारा ये है कि हम स्वीप एक्टिविटी के तहत आज गांधी जयंती के दिन हम रेवाड़ी में एक प्रयास कर रहे हैं कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दें। उसके तहत हमने इलेक्शन कमीशन की और हमारे CEO के दिशा निर्देश में हमने प्लास्टिक को बंद करके एक कपड़े के आज बैग स्वीप एक्टिविटी के अंदर लॉन्च किए हैं, जिसके लिए हम 4000 हमारे ज़िले में इस वक्त PWD वोटर्स हैं 4000 के करीब। तो जो भी दिव्यांग मतदाता अपना उस दिन मत का अधिकार का प्रयोग करता है उसको ये बैग दिया जाएगा। तो आज इसकी लॉन्चिंग है। आप कैंडिडेट से इलेक्शन कमीशन ने भी अपील की है, CEO हरियाणा ने भी अपील की है और ज़िला निर्वाचन कार्यालय की ओर से भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी सपोर्टर इस बार प्लास्टिक का उपयोग ना करें झंडे बनाने में, बैनर बनाने में। वो जो दूसरे विकल्प हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो बायोडिग्रेडेबल हैं और जिससे पर्यावरण में बचाव और साफ सफाई रहती है, उनका प्रयोग करें। तो इसी स्वीप के साथ और नो प्लास्टिक के मुहिम को आगे शुरू करने के लिए आज ज़िला निर्वाचन कार्यालय ने ये बैग्स लॉन्च करने का निर्णय लिया है। नहीं, कुछ हमने लोगों को मोटिवेट करके रोकने की कोशिश की है और उनसे कॉन्फिस्केट किए हैं बैग, लेकिन अभी इलेक्शंस में तो कुछ लोग बिजी हैं, यही लोग चलानिंग ऑफिसर हैं जो इलेक्शन में हैं। तो अब आप ये तो समझते हैं कि इस वक्त क्या प्रायोरिटी है, इलेक्शंस सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो हो सकता है कि चलानिंग उस स्पीड से ना हो पाई हो, मैं आपसे सहमत हूँ।